जय माता दी बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें और तरक्की करें। बंधु, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसी होती है हिंदू देवी देवताओं के वाहन। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, घंटी दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। हिंदू पुराणों में भक्तों की सुविधा के लिए ये बताया गया है कि कौन से देवी देवताओं को कौन सा भोजन, कौन सा पुष्प और कौन सा रंग सबसे प्रिय होता है, जिसके आधार पर उनके भक्त उनके बारे में बेहतर तरीके से जान पाते हैं और अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश कर पाते हैं। देवी देवताओं के किसी भी मंदिर या उनसे जुड़ी कहानियों और तस्वीरों में हम हमेशा उन्हें किसी खास तरह के पशु या पक्षी को उनके वाहन के तौर पर देखा होगा। शिव के नंदी हो या माँ दुर्गा के शेर, भगवान विष्णु के गरुड़ से लेकर इंद्र के ऐरावत हाथी तक लगभग सभी देवी देवताओं को हमने पशु या पक्षी पर सवार ही देखा है। वैसे देखने में तो ये वाहन हमारे लिए काफी सामान्य लगते हैं, लेकिन देवी देवताओं ने कुछ ही पशु या पक्षी को विशेष रूप में क्यों चुना है, इसके पीछे के कई रहस्य छुपे हैं। आइए बताती हूँ। पहला है माँ दुर्गा की सवारी शेर। दुर्गा को शक्ति का स्वरूप माना गया है और माँ की सवारी शेर होता है। शेर स्वयं शक्ति, बल, पराक्रम और क्रोध का कारक होता है। शेर की ये सभी विशेषताएं माँ दुर्गा के स्वभाव में मौजूद हैं। माँ दुर्गा की हुंकार भी शेर की दाहड़ की ही तरह इतनी तेज है जिसके आगे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। दूसरा, भगवान शंकर जी की सवारी नंदी। भोलेनाथ बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद बहुत शांत और संयमित रहते हैं। नंदी बैल भगवान शिव का वाहन है। उनके गणों में वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बैल बहुत ताकतवर और शक्तिशाली होने के बावजूद भी शांत रहते हैं, जो कि भोलेनाथ के स्वभाव में दिखाई देता है। इसके अलावा नंदी के चार पैर हिंदू धर्म के चार स्तंभ क्षमा, दया, दान और तप के प्रतीक हैं। नंदी सफेद रंग का बैल है जो स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। तीसरा है कार्तिकेय की सवारी मोर। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कार्तिकेय की तपस्या और साधक क्षमताओं से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें ये वाहन भेंट किया था। मोर चंचलता का प्रतीक है और उसे अपना वाहन बनाना इस बात को दर्शाता है कि कार्तिकेय ने अपने मोरे रूप चंचल मन को अपने वश में कर लिया है। चौथा, देवी सरस्वती जी की सवारी हंस। सांकेतिक भाषा में हंस जिज्ञासा और पवित्रता का प्रतीक कहा जाता है। ज्ञान की देवी सरस्वती को हंस से बेहतर और कोई वाहन मिल ही नहीं सकता था। माँ सरस्वती का हंस पर विराजित होना इस बात को दर्शाता है कि ज्ञान के जरिए ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। पांचवा, भगवान विष्णु जी की सवारी गरुड़। भगवद गीता में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु के भीतर ही समस्त सृष्टि का निवास है। वे सबसे ताकतवर हैं। गरुड़ देव को भी अधिकार और दिव्य शक्तियों से लैस दर्शाया गया है। छठवा, धन की देवी लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू। उल्लू शुभता और संपत्ति का भी प्रतीक है। कहा गया है कि अत्यधिक धन संपदा को प्राप्त कर व्यक्ति उल्लू यानी कि बुद्धिहीन हो जाता है, इसलिए देवी लक्ष्मी और उल्लू साथ साथ चलते हैं। उल्लू दिन में नहीं देख पाता, वो रात का जीव है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि लक्ष्मी जी की कृपा व्यक्ति को अंधकार से मुक्त कर सकती है। सातवा है श्री गणेश जी की सवारी मूषक यानी कि एक चूहा। मूषक का अर्थ चूहा होता है। भगवान गणेश को बुद्धि के देवता माना गया है और उनकी सवारी चूहा है। दरअसल चूहा हर चीज़ को कुतर देता है। वे बिना सोचे समझे हर कीमती चीज़ या अनमोल चीज़ को कुतर देता है, वो उसे नष्ट कर देता है। इसी तरह बुद्धिहीन और
कार्तिकी व्यक्ति भी बिना सोचे समझे अच्छे बुरे हर काम में बाधा उत्पन्न करते हैं। श्री गणेश ने मूषक पर सवारी कर कुर्तकों और अहित चाहने वाले लोगों को वश में किया है। आठवां, भगवान श्री कृष्ण की सवारी गाय। श्री कृष्ण को ग्वाला कहा जाता है क्योंकि उन्हें बचपन से ही गायों से काफी ज्यादा प्रेम रहा है। कृष्ण की हर तस्वीर में आपको उनके आसपास गाय भी जरूर नजर आएंगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि कृष्ण का चित्र गाय की तस्वीर के बगैर पूरा नहीं लगता। शायद इसके पीछे भारत के ग्रामीण इलाकों की झलक दिखाना ही उद्देश्य रहा होगा। नवा, हनुमान जी पिशाच के आसन पर बैठते हैं। हनुमान जी की आराधना हर बुरी ताकत और शक्तियों से बचाती है। हनुमान जी को पिशाच के आसन पर बैठते हैं। प्रेत, पिशाच या अन्य कोई भी बुरी आत्मा दुख और तकलीफ को दर्शाती है। हनुमान इन सभी बुरी आत्मा और दुखों को अपना आसन बनाकर इनके ऊपर विराजित होते हैं। तो बंधुओं, ये थी कुछ सवारी जो देवी देवताओं की है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, घंटी दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी। जय माता दी। बंधुओं, कैसे हैं आप लोग? हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें और तरक्की करें। बंधु, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसी होती है हिंदू देवी देवताओं के वाहन। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, घंटी दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। हिंदू पुराणों में भक्तों की सुविधा के लिए ये बताया गया है कि कौन से देवी देवताओं को कौन सा भोजन, कौन सा पुष्प और कौन सा रंग सबसे प्रिय होता है, जिसके आधार पर उनके भक्त उनके बारे में बेहतर तरीके से जान पाते हैं और अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश कर पाते हैं। देवी देवताओं के किसी भी मंदिर या उनसे जुड़ी कहानियों और तस्वीरों में हम हमेशा उन्हें किसी खास तरह के पशु या पक्षी को उनके वाहन के तौर पर देखा होगा। शिव के नंदी हो या माँ दुर्गा के शेर, भगवान विष्णु के गरुड़ से लेकर इंद्र के ऐरावत हाथी तक लगभग सभी देवी देवताओं को हमने पशु या पक्षी पर सवार ही देखा है। वैसे देखने में तो ये वाहन हमारे लिए काफी सामान्य लगते हैं, लेकिन देवी देवताओं ने कुछ ही पशु या पक्षी को विशेष रूप में क्यों चुना है, इसके पीछे के कई रहस्य छुपे हैं। आइए बताती हूँ।